नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, खबर तो हम आपको बताएंगे, लेकिन खबर बताने से पहले ये जान लीजिए कि इस खबर को जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब खबर बताते हैं। खबर वैशाली से जुड़ी हुई है, जहां पर 2 जून को कृष्णा ज्वेलर्स से लूट हुई थी। लेकिन इस लूट की बात तो पुरानी हो गई, अब जो नया अपडेट आपको बताने जा रहे हैं वो और चौंकाने वाला है। अब आप सोचिए कि लूट के ही जेवरात से कोई लुटेरा जेवर की दुकान खोल लेता है, कई लुटेरे इसमें शामिल होते हैं। और अब जो खबर निकलकर सामने आई है, ये पता चला है कि लूटे गए जेवरातों से ही इन लोगों ने उसे खपाने के लिए जेवर की दुकान खोल डाली थी। पूरा मामला अगर हम आपको समझाएं तो वैशाली में 2 जून को श्रीकृष्ण ज्वेलर्स में हुई करोड़ों की लूट का पुलिस ने सोमवार को खुलासा किया है। पुलिस ने 2.7 किलोग्राम सोना, 27 किलो, 30 किलोग्राम चांदी और 43,120 रुपए कैश समेत भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी समस्तीपुर में अपनी ज्वेलरी शॉप खोलकर लूट का मामला धीरे धीरे बेच रहे थे, लूट का माल बेच रहे थे। करीब 2.5 महीने की पड़ताल के बाद पुलिस को दुकान खोलकर लूट का माल बेचने की सूचना मिली, जिसके बाद सभी की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, जेल से छूटकर इन्होंने प्लान बनाया था। एसपी ने बताया है कि लूटकांड की साजिश समस्तीपुर में रची गई। बैंक लूट समेत कई मामले में ये फरार चल रहे थे। चंदन सोनार ने एक मामले में जेल से निकलने के बाद प्लान तैयार किया था। चंदन सोनार ने ही प्लान तैयार कर महुआ के पातेपुर रोड स्थित श्रीकृष्ण ज्वेलर्स के बारे में जानकारी दी थी और इस लूटकांड में लाइनर की भूमिका अदा किया था। दरअसल बता दें आपको कि 2 जून 2022 को दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने श्रीकृष्ण ज्वेलर्स से करीब 5 किलो सोना, 100 किलो चांदी और 50 लाख रुपए के अन्य जेवरात और 2 लाख कैश की लूट को अंजाम दिया था। बड़ी लूट की यह घटना थी। जब यह घटना सामने आई तो पूरा बिहार एक ही दिन में हिल गया था। इतनी बड़ी लूट की यह घटना थी कि चारों ओर इसकी चर्चा होने लगी, पुलिस के भी होश उड़ गए थे। और अब जब इस मामले का खुलासा हुआ है तो ये मामला काफी हैरान कर देने वाला है। और बताया जा रहा है कि इन लुटेरों ने चोरी का माल, लूट का माल खपाने के लिए सोने की दुकान यानी कि ज्वेलरी की दुकान ही खोल डाली थी। बड़ी मात्रा में सोने और चांदी की लूट की थी इन्होंने। मामले में गिरोह के सरगना समस्तीपुर जिले के घटहो ओपी वार्ड संख्या 12 निवासी नरेश शाह के पुत्र चंदन कुमार शाह और चंदन सुनार, उजियारपुर थाना क्षेत्र के महेश पट्टी लखनीपुर निवासी लालू पुद्धार के पुत्र अरुण पुद्धार, पटना जिले के मालसलामी थाना क्षेत्र का पटना सिटी वार्ड नंबर 71 निवासी जीते प्रसाद के पुत्र विक्की कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। वैशाली पुलिस और एसटीएफ ने सूचना के आधार पर वैशाली और समस्तीपुर से लुटेरों के गैंग के 14 शातिर को अब तक गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं लुटेरों के पास से 40 किलो सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी उपलब्धि मिली है पुलिस को, लेकिन इस उपलब्धि के पीछे जो कहानी है, जो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल फिल्मों में होता है। फिल्मों में जिस तरीके का चोरी का लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है, वैसे ही लूट हुई। उसके बाद उस लूट के माल को खपाने के लिए जिस प्रकार फिल्मों में आपने देखा होगा, कई तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, कई तरीके के काम किए जाते हैं, तो उसी प्रकार से इन लोगों ने भी माल को खपाने के लिए, लूट का जितना सोना चांदी का माल था, इन सबको खपाने के लिए ज्वेलरी शॉप खोल दिया था। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है इस मामले में। वैशाली पुलिस ने मामले का उद्भेदन किया है और इसी मामले में 14 अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।